आप सभी का मेरे इस ब्लॉग पर स्वागत है। तो आज इस इंडिया विजिट का ये दूसरा हफ्ता है और अब मैं जा रही हूँ अपने बाइक के साथ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और हमने कर ली है कैब और ये रहा ऑन द वे शूट। तो आज मैं सही बता दूँ, मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि मैं पूरे के पूरे एक साल बाद अपने घर जा रही हूँ अपने पेरेंट्स से मिलने। तो ये देखो मैं यहाँ पर आ पहुँची हूँ और ये रहा मेरा घर। ला मैं पकड़ लूँ। इसे फ्लैट में रखना होगा, अपन क्या गिरेगा। हेलो हेलो, पीछे बैग है उसमें। हमको पहले रिमाइंड करवा दे तो हम वहीं से ही। हाय कैसे? मैं बढ़िया, बताओ सब बढ़िया। अरे इतने टाइम के बाद मिल रहे छूने नहीं दे रहे। मम्मी आ रही है। अच्छा मम्मी आ रही है, थाली वाली लेके आएंगी क्या? अरे अकेले रख दो यहीं पे बैग। तो गाइस अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी मम्मी के इंतजार, जिनको मैंने नहीं देखा है क्योंकि वो आ रही हैं पूरी थाल के साथ हमारी पूजा करने। और मेरे चेहरे की खुशी देख रहे हो और पूरा लाल हो चुकी हूँ मैं इस वक्त अपने घर आकर। तो देखो अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं, पूरी पूजा की थाल के साथ आ रही हैं। देखो आ गई। पापा नहीं है क्या? पापा हैं, अभी ऑफिस आ रहे हैं। हेलो कभी, कैसे हैं आप? चलो आइए। ग्राम फ्लोर में हमारे यहाँ कुछ रेंट में रहते हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। तो मैं जा रही हूँ फर्स्ट फ्लोर की तरफ और ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर का एंट्रेंस। यस इट्स अ वेरी ह्यूज वेलकम इनटू माय हाउस। आज का दिन आज के मेहमानों का। फोटो अच्छी नहीं आई है अली, एक मिनट। हाँ इधर देखिए। और आप देख रहे हो हम पूरे एक साल बाद अपने घर आए हैं तो इसलिए हमारा इस तरह से वेलकम हो रहा है। ये पूरे मेरे घर वालों की प्लानिंग थी कि केक कट भी करवाना है और पूजा की थाल से पूरी पूजा करनी है, तो दैट्स ऑल। इस तरह से हमारा वेलकम हुआ। और ये मेरे भाई बहन हैं जो कि केक कटिंग की तैयारी कर रहे हैं। उस कैंडल तो बुझाएंगे। एक आपकी है। चलो भाई थोड़ा नहीं वो चम्मच ले आऊं पहले आप। नहीं नहीं पहले आप ये भी ले लो बाबू। और हाँ चम्मच ले आओ, देखना जलना मत। चम्मच से हो जाएगा, मोटी हो जाएगी। और मुझे पूरे घर घूमने की इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं बैठी नहीं और मैं बस पूरे अंदर वाले रूम का विज़िट करने लगी। और ये यहाँ पे कुछ नया फ़ोटो फ्रेम लग गया मेरे भाई और भाभी का, तो जो कि मैंने पहली बार देखा है। तो बस मैं इसी के बारे में पूछ रही हूँ, ये मेरी भाभी है और मैं पूछ रही हूँ ये कब और कैसे लगा और किसने गिफ्ट करा। तो यस ये इनके एनिवर्सरी पर मेरी मौसी ने इन लोगों को गिफ्ट कराया है तो इसे यहाँ पर लगा दिया गया है। और हाँ ये रहे मेरे पापा जो कि ऑफिस से आ रहे हैं। हम क्या जाएं वहाँ पर मिले जाते हैं उनसे, आएंगे ऊपर वो आने से 15 मिनट बाद। तो देखो पापा अभी अभी आए हम लोग भी और उनको आज लाइव दे रही। मुझे हमने सोचा पहले आप आए उसके बाद हम आए, लेकिन आप बात कर दिए और हम पहले आ गए। पेरेंट्स से मिलने की यार एक अलग ही खुशी होती है, सही बताओ। ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या काम है? अच्छा इसको बता रहे हो? ब्लॉगिंग चल रही है। आइए आइए, वेलकम वेलकम। हां
ये क्या है मेरे लिए? ऑफिस आ रहे क्या? हाँ बस आ ही रहे, पहुंच ही रहे। हाँ नाव पहुँच रहे हैं, हम समझ गया कि वो नाव से लखनऊ में। ये लिखिए हम नहाने जा रहे हैं, कहीं इसको क्या हो गया है? और हाँ, मैंने सोचा चलो किसी क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर। हलवा निकाले, फोन लिया अभी ने हम लोग के लिए गाजर का हलवा अपने हाथों से बनाया, किसी का फोन आया और रसगुल्ले भी बनाया है, तो जो कि वो सर्व कर रही हैं। तो मैंने कहा चलो अब इनको डिस्टर्ब नहीं करते, गाजर का हलवा बनाया है, ये थोड़ी और ब्राइट लाइट करो, देखो तुम तो ड्राई फ्रूट खराब है। और ये गाजर का हलवा है बहुत टेस्टी, मैं एक साल बाद मेरे हाथ में गाजर का हलवा खाऊंगी। तो देखो मना कर दिया आपने हलवा, और मेरी पापा और मेरी सवारी पहनने का तुसी। ये नंबर नहीं काटेगा आपका, हमने गिराया है। मम्मी लेकिन ये बता रहे थे कि बहुत बढ़िया बनाया, मम्मी ने इंतजाम बहुत बढ़िया करा है। अच्छा हाँ, तो केक वाला था इंतजाम। अभी अभी और नंबर मिलेगा आपको, रुक जाइए। बताओ खाओ तो। अच्छा पापा का इंतजार करो, पापा को जाने दो। तो अब टाइम है, जो भी हमारे गिफ्ट्स हैं वो तो हमने पहले ही उसे ओपन कर दिया था, सारे गिफ्ट रिवील कर दिए थे आते ही। तो हम कुछ चॉकलेट और स्वीट्स लाए थे जो कि हमने अपने पेरेंट्स को दी खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। तो ये मेरे पापा हैं जो टेस्ट कर रहे हैं, और ये मेरी मम्मी बैठी हैं, और ये मेरे पतिदेव बैठे हैं, और हाँ ये मेरी भाभी हैं। तो बस हमने अपनी अपनी चॉकलेट टेस्ट करी, और उसके बाद मैं अपनी भतीजी के लिए एक छोटा सा स्विमिंग पूल लेके आई थी फिलीपींस। ये है हमारी भतीजी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। फ्रूट्स भी नहीं खा सकती है क्या वो? धान जमने सोना, ये आपका हेयर बैंड और वो टी शर्ट का सेम सेम है, कौन सा कलर है बताओ? ये सेम सेम है, कलर तो बताओ क्या है? ए देखो मामू को देखो बिटिया, कलर बताओ। ए मामू ने तुम्हारा उल्टा चश्मा लगाया है बेटा, है ना? सही है ना सोना? इसका ऐसे उल्टा मेरा चश्मा। हाँ भैया रुको, तो पानी तो भरते लाओ पहले, एक साइड उल्टा एक साइड सीधा है। रुको ये तो बिल्कुल एयरफोन की तरह है, है ना? आईफोन हो गया क्या है? इसमें पानी भर देते हैं, स्विमिंग पूल लाए हैं तुम्हारे के लिए। मौसा आपके लिए स्विमिंग पूल लाए हैं, और आपके लिए सामान लाए हैं जो आपकी मम्मी ने देने के लिए मना किया है भैया। मम्मी से लड़ो बैठ गए, मम्मी के पास सारा सामान है आपका, जब तक आप नहाओगे नहीं। दे दे यार वो फिर बाद में, उसमें बचा ही क्या है? ज्यादा तो चॉकलेट लाई थी, पूछ रही है बार बार। मम्मी को मम्मी 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 टूट जाता है, ये देखो टूट जाता है, ये हटा दो, ये चश्मा ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। आप पहनो, आप पहनो। सुना नाना क्रैक्स खा रहे हैं आपका, गरम पानी आएगा भी, हमने गरम किया। भागी भाग, अरे भाई चश्मा भी संभालना है उसको, इसे बैठ जाओ, लेके जितनी भी सामान है आपकी वो लेके बैठ जाओ, वो है गरम है। भैया पूरा ननिहाल देख रहे हैं इनको, इस समय साबुन कोई सूखा हो ना, सूख भी आओ ना तो तुम्हें दिखाओ। और हमने कर लिया था डिनर, तुम्हें एक चीज दिखाया, एक चीज दिखाती रहो। हम आए पीछे अपने घर के पास में, तो वहाँ हमने देखा एक सिंदूर, कोई खुला नहीं है, खुले वाले नहीं है ना इसमें, लगाते हैं उसका ये पेड़ है गाइस,
इसी से ये कलर बनता है, रेड कलर है ये देखो देखो ना, ऐसी थोड़ा सा ऑरेंज वाला भगवा ये है। अरे दूर तो ये असली सिंदूर है, इसी से ये असली सिंदूर है जो उस पे लगाया है, ये है इसको तुम घिसोगे ना तो सिंदूर है। आज मैंने ये पूरे सूख जाते हैं, ये भी गीले हैं, ये भी पके नहीं है, ये सूख जाएंगे एकदम टाइट होगा, जुम जैसे ऐसे रगड़ोगे ना वो वहाँ वहाँ वो तुम्हें अपना छोड़ेंगे वो। तो इसमें लिप कलर भी बना सकते हैं और नहीं तो क्या, इसका बनता ही है लोग, इसको रख लो तो क्या करेंगे बहन अभी। तो गाइस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड व्लॉग।